हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ अनुच्छेद लेखन का। और इस वीडियो में सिर्फ आपको अनुच्छेद लेखन ही नहीं मिलेगा बल्कि पत्र लेखन भी मिलेगा, और साथ ही साथ जो आप लोगों का सेकंड बुक है वैचित्रमय असम, उसमें से भी किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उसे प्लीज़ आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। और साथ ही मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि जो अनुच्छेद लेखन है इसमें जो भी टॉपिक्स मैं दे रही हूँ उसे आप मेमोराइज़ मत कीजिए, उसे ट्राई कीजिए कि आप खुद से लिख सको। कम से कम 15 to 20 लाइन्स आप खुद से बना करके लिख सको, क्योंकि अनुच्छेद लेखन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप हर एक टॉपिक याद नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ट्राई करो कि आप खुद से इस टॉपिक को कवर करो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। यहाँ पे पहला है विद्यार्थी और अनुशासन, और इसको इस तरीके से भी दे देते हैं कि विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासन क्यों होना चाहिए। ठीक है, फिर समय अमूल्य धन या समय का सदुपयोग, ठीक है, इस टाइप का ये दे देता है। फिर मेरे जीवन का लक्ष्य, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है उसके बारे में आपको लिखने देगा। फिर जीवन में खेलों का महत्व, ठीक है, फिर एक पंथ दो काज, मतलब एक पद के ज़रिए एक एक रास्ते में आप दो काज कैसे करोगे, इस तरीके के क्वेश्चंस, मतलब मुहावरों के ऊपर भी कभी कभी टॉपिक दे दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्रिय पुस्तक, अगर आपका कोई प्रिय पुस्तक है तो उसका नाम, उसका लेखक का नाम और उस पुस्तक में क्या है वो सारी डिटेल्स आपको लिखना होता है। ठीक है, और आपको वो पुस्तक क्यों प्रिय है, आपको उस मतलब पुस्तक से क्या मोटिवेशन मिल रही है। ठीक है, इस टाइप से। इसके अलावा अधजल गगरी छलकत जाए, इट मींस कि जो लोग बहुत ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं बट ऐसे दिखाते हैं कि उनको बहुत कुछ आता है। ठीक है, इसके अलावा प्लास्टिक वरदान है या अभिशाप, या फिर कभी कभी हमें प्लास्टिक की जगह जगह विज्ञान दे देता है कि विज्ञान एक वरदान है हमारे लिए या अभिशाप है, या फिर इंटरनेट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस, तो इसमें से डेफिनेटली आप लोगों का कॉमन गिरेगा। ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से कवर करके जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा चलिए बढ़ते हैं कि पत्र लेखन में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है अपने जीवन का लक्ष्य बताते हुए अपने मामा जी को एक पत्र लिखिए, तो ये एक मतलब अनौपचारिक पत्र है। ठीक है, आपको मैंने ऑलरेडी पत्र लेखन किस तरीके से लिखना है, औपचारिक और अनौपचारिक, मतलब कि ऑफिशियल और पर्सनल लेटर, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। सो गाइज, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। इसके अलावा अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका के सभापति के नाम एक आवेदन पत्र लिखे, एक यह एक ऑफिशियल लेटर है। ठीक है, इसके अलावा अपने क्षेत्र की गंदगी की समस्या के समाधान हेतु अपने नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। ठीक है, इसके अलावा प्रदूषण की रोकथाम के उपायों पर चर्चा करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, और शुल्क माफ़ करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। फिर बीमारी के कारण परीक्षा न दे सकने पर प्रधानाचार्य को चिकित्सा अवकाश के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो ये सारे पत्र जो भी आप देख रहे हो, जो भी मैंने दिया है, इससे बस क्या करना है, आपको जो पर्सनल लेटर है उसका फॉर्मेट अलग हो जाता है और जो ऑफिशियल होता है उसका फॉर्मेट अलग हो जाता है। तो ऑलमोस्ट सारे पत्र क्या है, एक दूसरे से टच ही कर रहे हैं। तो आप लोग जस्ट फॉर्मेट याद रखिए कि फॉर्मेट किस टाइप से आपको लिखना है, अदरवाइज़ जो आपका डिस्क्रिप्शन होगा, जो बॉडी पार्ट होगा, वो तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बना करके लिख देना है। ठीक है, इसके अलावा अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, और जल संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए गुवाहाटी से प्रकाशित होने वाली दैनिक प्रभात के संपादक के नाम पर एक पत्र लिखो। ठीक है, तो जैसा कि अभी ऑलरेडी पानी का इतना मतलब प्रॉब्लम हो रहा है हमारे सिटी में, सो इसके ऊपर भी ये पत्र आ सकता है, तो ये भी आप लोग प्रिपेयर करके जाइएगा। और जल का तो बहुत ज़्यादा ही कमी हो रहा है,
ठीक है। फिर स्वच्छता अभियान को जारी रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए डिब्रूगढ़ से प्रकाशित होने वाले दैनिक जागरण के संपादक के नाम पर एक पत्र लिखो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में। सो आप लोग ट्राई कीजिए कि आप लोग फॉर्मेट अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जो बॉडी पार्ट होगा वो तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बना के लिख दोगे, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग का जो हमारा पॉइंट्स होता है उसे अच्छे से रिकॉल कर लीजिए और ट्राई मतलब एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी फॉर्मेट किस टाइप का होगा। अब चलिए देखते हैं हमारा जो सेकेंड बुक है उसमें इस बार किस टाइप के क्वेश्चन देंगे परिपूरक पाठ्य पुस्तक से। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार बोर्ड का नोटिफिकेशन है कि आपको एटलीस्ट 3 चैप्टर्स प्रिपेयर करके जाने हैं, ठीक है। तो 3 चैप्टर्स में देखिए यहाँ पे पहला कि पाठ्यक्रम के द्रुतपाठ यानी कि वैचित्र्यमय असम में सन्निविष्ट किन्हीं 2 जनगोष्ठी, तो यहाँ पे 2 के जगह 3 दे सकता है, ठीक है, या फिर 2 ही देगा, डजेंट मैटर। उसके उत्सवों एवं त्यौहारों के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे उत्सव और त्यौहार है, हो सकता है कि आपको वाद्य यंत्र दे दे कि उनका वाद्य यंत्र क्या होता है, ठीक है, या फिर उनके वस्त्र क्या होते हैं, ठीक है। किसी भी 2 या 3 जनगोष्ठी के वस्त्र या वाद्य यंत्र या उत्सव या जो वो लोग खाना खाते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको शॉर्ट टिप्पणी लिखने को दिया जाएगा, शॉर्ट नोट लिखने को दिया जाएगा जनगोष्ठी के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा कि उस जनगोष्ठी के डेवलपमेंट में, उसके विकास में किन लोगों ने योगदान दिया है उनके बारे में आपको टिप्पणी लिखने को दिया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। इसमें बेसिकली मैं आपको एकदम शॉर्ट तरीका बताती हूँ कि आप किसी भी 3 जनगोष्ठी का नाम लिखिए पहले, ठीक है। फिर उस जनगोष्ठी का मतलब जो क्या बोलते हैं स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, डेट वो मेंशन कीजिए, जगह मेंशन कीजिए, उसके बाद वहाँ के जो त्यौहार है, उत्सव है, या वहाँ का जो रहन सहन है, खाना पीना, जो भी वो लोग कपड़े पहनते, इस तरीके से आप पॉइंट आउट कर लीजिए चीज़ों को। पूरा चैप्टर्स तो आप पढ़ नहीं सकते, इसलिए कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि रहन सहन हो गया, खाना पीना हो गया, उत्सव हो गया, त्यौहार हो गया, फिर इसके अलावा वाद्य यंत्र, वो लोग अपने पूजा पाठ में किस तरीके के वाद्य यंत्र यूज़ करते हैं, ठीक है, उनका कल्चर क्या है, इस तरीके से आप पॉइंट नोट कर लीजिए। और इसके अलावा जो योगदान जिन जिन व्यक्तियों ने दिया है, किस तरीके से दिया है, वो तरीका, उन्होंने क्या काम किया है, वो बेसिकली ये सब 2-2 मार्क्स के आने वाले हैं, 2 या 3 मार्क्स के। तो इसके लिए आपको पूरी गाथा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट 2 मार्क्स का है तो कम से कम 4 से 5 लाइन आप लिखिए, और अगर 3 मार्क्स का है तो 6 से 7 लाइन्स आप लोग लिख दीजिए बना करके, ठीक है। तो इसमें इतना माथापिची करने की बात नहीं है, आप बस पॉइंट आउट करके चीज़ों को लर्न कर लीजिए। तो ये इतना इस वीडियो में इतना ही है, बाकी और जो रिमेनिंग है पार्ट वो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।